अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास वन प्लस का मोबाइल है और वन प्लस का ही आपके पास फर्मवेयर है यानी ऑक्सीजन ओएस है, लेकिन जो लेटेस्ट फर्मवेयर आ रहे हैं ऑक्सीजन ओएस के, उनके अंदर जो डायलर होता है वो गूगल का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गूगल का डायलर है और इसी तरह फ्रेंड्स ये जो मैसेजिंग ऐप है ये भी गूगल की ही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर ऑक्सीजन ओएस का या वन प्लस का अपना डायलर, मैसेजिंग ऐप और कॉन्टैक्ट्स जो है वो वन प्लस के ही हों, तो किस तरह से आप उसको इनेबल कर सकते हैं? क्योंकि वन प्लस का जो डायलर, कॉन्टैक्ट्स और मैसेजिंग ऐप है वो बहुत सिंपल भी है और इसके अंदर फंक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने मोबाइल के अंदर ये कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग ऐप और डायलर को वन प्लस के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। और साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सारी जो आपके पास ऐप आएंगी वो मेरे टेलीग्राम मैसेंजर के ऊपर अपलोड होंगी और आप वहाँ से ही वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ ये रूटेड और नॉन रूटेड दोनों यूज़र्स के लिए है। अगर आप डायलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली जो मैं फाइल्स प्रोवाइड करता हूँ उसको आपने इंस्टॉल करना है। और इनमें फ्रेंड्स मेरे पास तीन फाइल्स हैं। एक फ़ाइल नॉन रूटेड यूज़र्स के लिए है जो सबसे ऊपर APK की फ़ाइल है, और दूसरी फाइल जो है वो रूटेड यूज़र्स के लिए है, ये मैजिस्क मैनेजर में जाके फ्लैश कर सकते हैं। और जो तीसरी फाइल है फ्रेंड्स, ये कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए है। तो जो फ्रेंड्स नॉन रूटेड हैं फ्रेंड्स, वो APK की फ़ाइल को सिर्फ इंस्टॉल कर लेंगे तो उनका डायलर जो है वो वन प्लस का डायलर बन जाएगा, लेकिन इससे आपका जो गूगल का डायलर है वो रिप्लेस नहीं होगा। आप उसको मैनुअली जो है वो डिसेबल कर सकते हैं या उसको जो है वो मैनुअली आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो रूटेड यूज़र हैं उन्होंने APK की फ़ाइल भी लाजमी इंस्टॉल करनी है और बाकी की फ़ाइल्स भी इंस्टॉल करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप जो है वो सिंपली ज़िप वाली फ़ाइल इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशंस की प्रॉब्लम आती है जो कि हम ग्रांट नहीं कर पाते गूगल के डायलर को रिप्लेस करने के बाद। जब आप वन प्लस के डायलर पर जाते हैं तो वो परमिशन मांगता है, और वो परमिशन जो है वो अगर ये APK नहीं इंस्टॉल करेंगे तो वो आप परमिशन ग्रांट नहीं कर सकेंगे। ग्रांट हो जाएगी लेकिन वो वहाँ पर जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो चलें फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पहले स्टार्ट कर लेता हूँ कि किस तरह से हमने करना है। नॉन रूटेड यूज़र सिंपली जो है ये APK की फ़ाइल को इंस्टॉल करें यहाँ पर, और सेटअप को आप इस तरह से कंप्लीट कर लें। और जब आप ये इंस्टॉल कर लें तो आप सिंपली ओपन कर लें, लेकिन मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मैं रूटेड यूज़र हूँ और रूट के लिए भी आपको तरीकाकार यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी APK इंस्टॉल हो गई है, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको ओपन नहीं कर रहा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपली जाना है मैजिस्क मैनेजर में, मॉड्यूल्स में जाना है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने वन प्लस डायलर, ये मैंने फोल्डर सेव किया हुआ है और इसके अंदर जो है वो मैं वन प्लस ऐप को इंस्टॉल कर दूंगा। ये जिप की फ़ाइल इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना चाहें तो फिर आप मॉड्यूल में जाएँ और वहाँ से ही आप इनेबल ऑक्सीजन ओएस नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग को आप फ्लैश कर लें अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। आपको रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो आप ये फ्लैश ना करें, मुझे चाहिए इसलिए मैं इसको फ्लैश कर लूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो रहा है, सारी ये डिटेक्शन कर रहा है और उसके बाद जो है वो अपना प्रोसेस वो आगे बढ़ा रहा है। तो जैसे ही ये प्रोसेस कम्प्लीट होता है आपकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी। आपने सिर्फ मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और आपका जो डायलर और कॉन्टैक्ट्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूं और उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपको बताता हूं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो मोबाइल मैंने रिस्टार्ट कर लिया है और ये आप टॉप के ऊपर मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास डायलर भी आ चुका है, कॉन्टैक्ट्स भी है और मैसेजिंग की ऐप भी वन प्लस की इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने सिंपली ये करना है कि डायलर को ओपन कर लेना है और उसके बाद जितनी भी परमिशन ये मांग रहा है इसको ये अलाउ कर देनी है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये डायलर यहाँ पे परफेक्ट वर्क करेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग देखना चाहें तो कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग यहाँ पे इनेबल हो चुकी है।
और आप किसी भी कॉन्टेक्ट्स को जो है वो उसके कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक बात और बताते चलूँ, अगर आप डिफ़ॉल्ट के तौर पे वन प्लस का डायलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाएं, और सेटिंग में जाने के बाद आप चले जाएं ऐप एंड नोटिफिकेशन में, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखें ये डिफ़ॉल्ट ऐप है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स ये फ़ोन ऐप को जो है वो वन प्लस के डायलर पर सेलेक्ट कर लें, तो आपका डिफ़ॉल्ट डायलर जो है वो वन प्लस का डायलर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बरवक्त मिल सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो हो सकता है कि आप सर्च कर रहे हों या बहुत सी ट्रिप और ट्रिक्स जो आपको नहीं पता हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक ही पेज पर आपको मिल जाएंगे, और मेरी सारी फाइल्स की डाउनलोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।